नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, उत्तर प्रदेश में कोरोना का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और शिक्षकों व कर्मचारियों की ड्यूटी पंचायत चुनाव में लगी थी। पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगने के बाद हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी और कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। ऐसे में उन्हें इलाज की जरूरत है, लेकिन इस बार शिक्षकों का वेतन मानव संपदा पोर्टल के पेरोल मॉड्यूल से आना है और जिसमें काफ़ी देर लग रही है, जिसकी वजह से शिक्षक अपना इलाज भी ढंग से नहीं करा पाए हैं। ऐसे में एक बेसिक शिक्षा अधिकारी ने एक अनूठी पहल की है। उन्होंने कहा है, अगर आप वेतन नहीं मिला है तो आप एक गूगल फॉर्म भर दीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर कौन से बीएससी साहब ने इस तरह की पहल की है और उनकी इस पहल से वेतन संबंधी समस्या का किस तरह से समाधान होगा। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, वेतन नहीं मिला तो गूगल फॉर्म भरे, समस्या होगी दूर। बेसिक शिक्षा विभाग में शुरू की पहल और इसमें 101 लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज करा दी है। ये न्यूज़ आई है गोरखपुर से। बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों को अगर वेतन नहीं मिला है तो वे गूगल फॉर्म भर दें, उनकी समस्या का झटपट समाधान कर दिया जाएगा। फॉर्म भरते ही विभाग की ओर से इसका सत्यापन कराकर जल्द से जल्द वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। कोरोना महामारी में दूसरी लहर में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों कर्मचारियों को वेतन या मानदेय का भुगतान समय से कराने के लिए गोरखपुर के बीएससी कार्यालय ने अनूठी पहल की है। इसके तहत विभाग ने ऑनलाइन गूगल फॉर्म का लिंक विभिन्न शिक्षकों के व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट पर साझा किया है। बीएससी कार्यालय के इस प्रयास की सराहना सोशल नेटवर्किंग साइट पर हो रही है। गूगल फॉर्म शेयर करने के बाद से अब तक 101 लोगों ने फॉर्म भरकर वेतन या मानदेय न मिलने की शिकायत दर्ज कराई है। जिले में सरकारी शिक्षकों के अलावा शिक्षणेतर कर्मचारी, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आरटी या आईटी प्रशिक्षक तैनात हैं। कोरोना काल में वेतन या मानदेय का समय से भुगतान न होने की वजह से शिक्षकों के विभिन्न ग्रुप पर इसके लिए विभाग को निशाने पर लिया जा रहा था। शिक्षकों संगठनों की ओर से भी बीएससी को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द वेतन भुगतान की मांग की जा रही थी, जिसके बाद विभाग के बंद होने के बाद भी वेतन का भुगतान किया गया है। वहीं जिन्हें भुगतान नहीं हुआ है उनके लिए गूगल फॉर्म का लिंक जारी किया गया है। काफ़ी अच्छा प्रयास है बीएससी महोदय का। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि 49 परिषदीय विद्यालयों में बनेंगे अतिरिक्त क्लासरूम। ये खैर अलग खबर है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन वेतन के देने के लिए ये बीएससी महोदय का बहुत अच्छा प्रयास है और इसी तरह का प्रयास अन्य जनपदों में भी होना चाहिए। अगर अन्य जनपदों के बीएससी भी इसी तरह का प्रयास करेंगे तो हमारे शिक्षकों को जल्द से जल्द वेतन का भुगतान हो जाएगा और उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम कोरोना काल में पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा शिक्षक साथी हमारे संक्रमित हैं और उन्हें अपना प्रॉपर तरीके से इलाज कराने के लिए पैसे की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए वेतन जल्द से जल्द भुगतान हो जाए तो ये काफ़ी अच्छा होगा और इन बेस हिसाब से सभी को सीख लेनी चाहिए। जिस तरह से वेतन का भुगतान कर रहे हैं ऐसे अधिकारी बहुत ही कम मिलते हैं। काफ़ी अच्छा प्रयास है इनका। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।